हे फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडी टॉक्स पे। मैं हूं वकार, आप सभी का यार। दोस्तों, लास्ट वीडियो पे हमने शेयर किया था आइडियाज रिलेटेड टू हाउ टू मेक थंबनेल, ओके। और आज के वीडियो पे हम बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। अब ये टर्म आपको लगी होगी टेक्निकल और आप वीडियो को स्किप करने का सोचोगे, लेकिन ऐसा मत करो। अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप एक बिगिनर हो तो आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी एक बिगिनर हूँ। मुझे ये आइडिया हुआ तो मैंने सोचा कि आपसे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूँ। दोस्तों, जब भी आप एक वीडियो बनाते हो तो आप चाहते हो कि लोग उसे देखें, और वही लोग देखें जो उस वीडियो पे इंटरेस्टेड हो। तो इसके लिए आपको करनी पड़ती है और थोड़ी सी मेहनत, यानी कि सिर्फ वीडियो बनाना और उसे अपलोड कर देना ही एक काम नहीं होता, इसके बाद भी बहुत सारे टेक्निकल काम होते हैं। चलिए आज उन्हीं टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करेंगे। दोस्तों, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब किसी को पता नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि सर्च इंजन तो सुन के ही लगता है कि चलो सर्चिंग से रिलेटेड है। वेल, ऑप्टिमाइजेशन होता है कि किसी चीज को एक बेस्ट फॉर्म पे, उसके बेटर क्वालिटी पे प्रेजेंट करना। लेकिन जब हमने वीडियो को अच्छे तरीके से बना लिया है, एडिटिंग भी कर ली है, फिर भी तो ट्रैफिक नहीं आ रहे, तो दोस्तों यहाँ बात है समझने की जरूरत। यहाँ पे मैं उस चीज को नहीं कह रहा बेस्ट फॉर्म पे प्रेजेंट करना जो कि आपकी वीडियो है, बल्कि उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो कि आपकी वीडियो को सर्च करने पे सामने लाएगा, यानी कि उस कीवर्ड्स और उन टैग्स की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे बड़ी चीज होती है आपके वीडियो का टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन और उसके टैग्स। अगर यही चीज प्रॉपर ना हुए तो आपके वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बचता है। फिर वही होता है कि आपके 10 वीडियो में से शायद कोई एक वीडियो ऐसी होती है जो प्रॉपर लिस्ट पे आती है, वरना वहां भी कोई वीडियो सामने नहीं आते। लाइक्स और डिसलाइक्स ये लोगों पे डिपेंड करता है दोस्तों, कि वो करे ना करे, लेकिन आपके वीडियो पे व्यू काउंट ज्यादा होनी चाहिए, और उससे ही समझ में आता है कि आपके वीडियो की वॉच टाइम भी कितनी हो रही है। क्योंकि आपके लिए सबसे पहला मकसद होता है लोगों तक रीच करना, और लोगों तक तभी आप रीच करोगे जब आपकी वीडियो हायर लेवल पे रैंक करती जाएगी। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टर्म होता है वो है कीवर्ड एंड की फाइंडिंग्स। अब ये होगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वीडियो बनाने को सोच लिया है, तो उससे पहले आपको करना क्या है, आप सबसे पहले जाओगे यूट्यूब पे और उस टर्म को खुद ही एक व्यूअर की तरह सर्च करना। जब आप सर्च करोगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी वीडियोस की। अब याद रखना है कि टॉप 3 वीडियोस जो होते हैं, अक्सर लोग ये टॉप 3 वीडियोस को ही देखते हैं और इसमें से ही सिलेक्ट करते हैं कि उन्हें कौन सी वीडियो पसंद है और कौन सी वीडियो उन्हें ज्यादा देखने को अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, आपको इन वीडियोस में से ही किसी एक वीडियो की कैप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देखोगे, कभी आपने गौर किया हो तो इन वीडियोस के टॉप 3 की अगर बात करूं तो इन वीडियोस के जो टाइटल होते हैं, इनमें कुछ ऐसे कॉमन टर्म्स होते हैं जो सभी वीडियो के टाइटल्स में आपको मिलेंगे। तो इससे आपको ये आइडिया कर लेना है कि जब आप ऐसे ही कुछ वीडियोस अपने कंटेंट पे, अपने आइडियाज पे तैयार करोगे, तो उनके टाइटल में इन टर्म्स को आपको डालना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स, ये कॉमन टर्म्स जो होते हैं, यही टर्म्स वो टर्म है जिसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स यानी कि वो टर्म, वो एक कॉमन टर्म जो किसी भी रिलेटेड वीडियो को आसानी से शोकेस करता हो। तो चलिए, ये थी कीवर्ड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे टैग्स के बारे में। दोस्तों, टैग्स में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना है। आपके जो टाइटल होते हैं उसमें कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको दूसरे किसी वीडियो पे टैग्स में भी दिखेंगे, और इस तरह ही आपको भी अपने वीडियो के टैग्स में इन टर्म्स को डालना है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा अपने ही एक वीडियो का, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने टाइटल को रेडी करोगे, आप अपने टाइटल को मेंशन करोगे अपने टैग्स में, प्लस आप अपने टाइटल को मेंशन करोगे डिस्क्रिप्शन पे, और किस तरह टाइटल और डिस्क्रिप्शन के कुछ टर्म्स को आप हैशटैग्स के अनुसार यूज भी करोगे। तो चलिए, उस वीडियो के थ्रू देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और ये है हमारा चैनल ट्रेंडी टॉक्स, और सर्च करते हैं अपना एक वीडियो, अपने चैनल के एक वीडियो को, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। तो देखिए दोस्तों, आज भी मेरा ये वीडियो सेकंड पोजीशन पे रैंक करता है। इसकी वजह ये है कि हमारे इस वीडियो पे वो 2 कीवर्ड्स हैं जो अक्सर लोग सर्च करते हैं। तो ऐसे ही कीवर्ड्स की बात कर रहा था कि आपको ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने अपने वीडियो के लिए जिसके सर्च में डिमांड हो और लोग उसे अक्सर सर्च करते हो। अगर आप साइड में कीवर्ड्स प्लानिंग में भी देखें तो यही सारे टर्म्स हैं, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। अगर आप स्क्रीन पे 3 वीडियो को देखें तो तीनों वीडियो में भी रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों टर्म मौजूद हैं। फर्स्ट वीडियो को देख लो आप, मेरे बाद वाले वीडियो 3rd वीडियो को भी देख लो, उसमें भी रिलीजन एंड पॉलिटिक्स टर्म मौजूद है। बस इन टर्म्स को आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है और प्लेस करना है। साथ ही आप देखो मेरे कीवर्ड्स में, मेरे चैनल, मेरे वीडियो के टाइटल पे तो चैनल का नाम मेंशन है, ट्रेंडी टॉक्स। फिर 2 कीवर्ड्स जो ज़रूरी है वो है,
प्लस बीच में आप देखो द गेम ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड, ये जो टर्म लिखा है मैं इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि ये मैंने कैसे लिखा। वीडियो को अपलोड करने के 3 दिन के बाद जब मैंने सर्च किया, अपने एनालिटिक्स देखी कि किस किस टर्म पे मेरे वीडियो को ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी उसमें से एक टर्म थे। क्योंकि पहले मेरे वीडियो का जो कैप्शन था, जो टाइटल था, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन था। तो आफ्टर 3 डेज जब एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है YouTube, तो उससे पता चलता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स और ऐड हम कर सकते हैं अपने टाइटल पे, सो डैट और व्यू बढ़ा सकते हैं। अब एनालिटिक्स दिखा देते हैं आपको। एनालिटिक्स में आप देख सकते हो मेरे के 3K व्यूज़ है, वॉच टाइम इस वीडियो के 223 घंटे हो गए, सब्सक्राइबर भी इसमें इंक्रीज होकर प्लस 19 सब्सक्राइबर्स मिले थे इस वीडियो के थ्रू। अब आप ट्रैफिक सोर्सेज देखो कि 61.3% आज भी मेरे इस वीडियो पे ट्रैफिक सोर्स है। तो दोस्तों, किसी भी वीडियो के लिए YouTube सर्च जो है ना वो इंक्रीज होना चाहिए, और अगर वो फॉर अ लॉन्ग टाइम 50% से ज़्यादा है उसकी ग्रोथ, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। चलिए इसके रीच को देख लेते हैं। अब आप मेरे वीडियो के रीच को अगर देखो, यहाँ पे आपको डिटेल्स में सब कुछ दिखाया जाएगा, ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या है। एक्सटर्नल सोर्सेज गाइस सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सटर्नली कितने बड़े मेजॉरिटी हैं कि आप वहाँ से अपने लिए ग्रोथ ले सकते हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप कितने फ्रेंड्स कितने रिलेटिव से शेयर कर सकते हो जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एक अच्छी ट्रैफिक। साथ में ये सजेस्टेड वीडियोज़ है, यानी कि आपको अपने वीडियो आने वाले अगले वीडियो में भी सजेशंस में डालना होता है, और अपने चैनल का खुद एक प्लेलिस्ट भी रखना होता है। प्लेलिस्ट से दोस्तों ये फ़ायदा है कि जब आपके वीडियो पे आपके चैनल का नाम मेंशन होता है, और आपके हर वीडियो पे आपके चैनल का नाम मेंशन होता है, और अगर किसी भी वीडियो पे आपके ट्रैफिक बढ़ती है और उसको लोग देखते हैं, तो वीडियो जब भी ऑन रहता है देखा होगा आपने साइड में एक सजेशन लिस्ट रहता है। उस सजेशन लिस्ट में क्या होता है ना कि फिर आपके बाकी जितने वीडियोज़ हैं उनको शो करना शुरू कर देता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि एक वीडियो के थ्रू आप दूसरे वीडियो को भी ग्रो कर सकते हो। चलिए इसके एक बार डिटेल्स में अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन और प्लस टैग्स को मेंशन करोगे। तो आप देख सकते हो पहला 2 कीवर्ड्स मैंने डाला है, उसके बाद मैंने अपने टाइटल का जो दूसरा पार्ट है द गेम ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड, ये मैंने कैसे पुट किया था आपको बताया, क्योंकि पहले ये पार्ट मेरे कैप्शन में था नहीं। इसको मैंने एनालिटिक्स अपलोड करने के 3 दिन बाद जब एनालिटिक्स आती है तो एनालिटिक्स में खुद बताती है कि रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं, तो रिलेटेड टर्म्स को बाद में इंक्लूड करने से भी व्यूज़ और बढ़ते हैं, जो मेरे वीडियो के साथ हुआ भी। पहले मेरे इस वीडियो का नाम था पॉलिटिक्स एंड रिलीजन / ट्रेंडी टॉक्स, लेकिन एनालिटिक्स के हेल्प से मुझे मिला कि गेम ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी जो टर्म है उसको एडअप कर सकते हैं, तो फिर बाद में मैंने उसे एडअप किया। अब आपको SEO स्कोर को मैच कैसे करना है। SEO स्कोर को मैच करने का रूल है कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो आपने वर्ड्स को यूज़ किया अपने टाइटल में, उन वर्ड्स को आप डिस्क्रिप्शन में भी डालोगे। देख लो डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में मेरे वीडियो का टाइटल है। फिर वीडियो के टाइटल से मैंने कुछ हैशटैग्स बनाए। एक हैशटैग आपका मस्ट होना चाहिए जो कि आपके चैनल का होगा, बाकी हैशटैग्स आपके कीवर्ड्स का होगा। जैसे कि आप हैशटैग देख सकते हो कि #trendytalks, #politics, #religion, #religious conflicts, प्लस वीडियो किस बेसिस पे है, वीडियो में क्या क्या है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग मिस कर देते हैं डिस्क्रिप्शन देना, सोचते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या दूं, लेकिन यही सब जो है वीडियो से रिलेटेड देना बहुत ज़रूरी होता है। अब चलिए आपको डिटेल जो टैग्स होते हैं उसके बारे में दिखाते हैं। तो सबसे पहला टैग आपका पूरे वीडियो का जो टाइटल है वही होगा, उसके बाद चैनल का होगा, जैसे आप देख सकते हो कि मेरा ट्रेंडी टॉक्स का है, फिर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एक मैंने हैशटैग दिया है, और इस तरह से बाकी सारे हैशटैग्स हैं। बाकी सारे हैशटैग्स आपको सर्च करना होगा कि कौन कौन से टर्म आपके वीडियो पे है जो रिलेटेड है, जो इस तरह से लोग सर्च करते हैं, या आपको खुद जज करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि हर एक हैशटैग पे मेरा ग्रीन सिग्नल है, यानी कि ये सारे हैशटैग्स उन वीडियोज़ के हैं जो ग्रो करते हैं। तो यानी कि जब आपके वीडियो के रिलेटेड कोई वीडियो लोग सर्च करेंगे तो उन्हें 100% टॉप 10 में आपका भी वीडियो दिखाएगा। और ये सब कुछ आपको करने के लिए ट्यूबबडी यूज़ करना पड़ेगा। ट्यूबबडी का आप सिंबल देख सकते हो ऊपर शो कर रहा है रेड कलर का मेरे चैनल के सिंबल के बाजू पे, ठीक है। अब आपको ले चलता हूँ दिखाने के लिए कि
ट्यूब बडी जो है, ये ट्यूब बडी कैसे वर्क करता है? वेल, ट्यूब बडी के बारे में मैं उतना बोलूंगा नहीं, बस ये बोलूंगा कि आप वेबसाइट पे जाओ ट्यूब बडी के, ठीक है। ट्यूब बडी की वेबसाइट पे जाकर आप लॉगिन करो अपने उस मेल के साथ जिस मेल से आपने यूट्यूब बना के रखा है, और अपने किसी एक वीडियो का वहाँ पे फिर आपको लिंक डालने को कहा जाएगा। वापस से आप अपने यूट्यूब पेज पे आकर उसे रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपका पेज ट्यूब बडी से। ट्यूब बडी से ये फायदा है दोस्तों कि आप डिटेल्स में जो हैशटैग्स होते हैं अपने वीडियो में वो आप डाल सकते हो। एक मैंने हैशटैग डालने का तरीका आपको बता दिया कि किस तरह से आपको डालना है, आपको खुद कीवर्ड सोच कर डालना पड़ेगा। दूसरा तरीका होता है कि अगर मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके वीडियो से रिलेटेड, या आप 2 से 4 हैशटैग्स यूज़ कर पाए, या फिर वीडियो में जैसे मैंने बताया कि आप अपने कीवर्ड्स को यूज़ करके हैशटैग्स बनाओगे, सिर्फ आपने इतना किया और बाकी आपको और भी 10-15 हैशटैग्स चाहिए जो कि इनफ होगा आपके वीडियो को ग्रो करने के लिए, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप एक और तरीका से चल सकते हो। और वो तरीका ये है कि आप मान लो जिस तरह की वीडियो बनाना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई और दूसरा वीडियो आप सर्च करना, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो को दिखाता हूँ, मान लो कि आपको मेरे वीडियो के जैसा एक और वीडियो बनाना है और इसके लिए फिर आपको हैशटैग्स लेना है, तो आप क्या करोगे, आप मेरे वीडियो को जस्ट ओपन करना, और याद रहे कि आपने ट्यूब बडी पे लॉगिन कर लिया, क्योंकि तभी आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा शो करेगा, और साइड में आप देखो राइट लोअर कॉर्नर पे आपको मेरे हैशटैग्स दिखा रहे हैं, वो सारे जो मैंने डिटेल्स में दिए थे, ठीक है। अब ये सारे हैशटैग्स जो हैं इनको आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इनको आप अभी कॉपी करोगे और देख लो ये क्यों, क्योंकि वो SEO स्कोर पे ऐसा कंडीशन है तो आपको इस वजह से करना पड़ता है। अब SEO स्कोर देख लो, इस वीडियो का मेरा 100 है। 100 क्यों है, क्योंकि 5 पॉइंट्स देता है SEO स्कोर, जिसको 20-20 पॉइंट्स में वो डिवाइड करता है, और ये सारे पॉइंट्स अगर आपने फुलफिल कर दिए तो आई गारंटी कि आपके वीडियो को ग्रो करने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो अगला तरीका जिससे आप सारे हैशटैग्स को कलेक्ट कर सकते हो। अब मान लो ये मेरी वीडियो के सारे हैशटैग्स हैं और आपको ट्यूब बडी के हेल्प के थ्रू आपको ये हैशटैग्स शो कर रहा है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारे हैशटैग्स को अगर आपको पूरे को कलेक्ट करना है तो बस कॉपी टू पे क्लिक करना होगा, और वहाँ पे सारे हैशटैग्स पे ऑलरेडी क्लिक हो चुके हैं, पर अगर आपको मैनेज करना है तो आगे पीछे करके भी आप मैनेज कर सकते हो। कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर लेने से क्या है कि आपकी टोटल कॉपी हो गई। अब क्या करना है कि आपको वापस से अपने वीडियो पे आना है और इस पोजीशन पे आकर सीधे से पेस्ट कर देना है, और काफ़ी आसानी से आप देखना कि अगर आपको ग्रोथ मिलनी होगी तो अगले कुछ वक्त के बाद जब आपने आप वीडियो को चेक करोगे 2 से 3 रोज़ के बाद, तो आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे इस वीडियो में, मेरे और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने इस मेथड के थ्रू ग्रोथ हासिल किया है। और एक और बात बताता चलूँ कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं होती है, क्योंकि बिगिनर के लिए अगर पर डे 50-60 व्यूज़ आ जाते हैं तो डैट इज़ एनफ। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल प्रोसेस टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स को ओवरऑल मेंटेन करने का। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आज बात किया आप लोगों से अबाउट कीवर्ड्स, अबाउट टैग्स एंड हाउ टू पुट ऑल ऑफ देम इनटू योर डिस्क्रिप्शन, इनटू योर टाइटल, एंड हाउ टू गेट मोर ट्रैफिक ऑन योर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, तो जल्दी से जाओ अपने वीडियो में इस फॉर्मूला को अपनाओ और आसानी से आने वाले कल में एक अच्छी ग्रोथ आप भी देखो अपने यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यूट्यूब ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।